दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, लेकिन ईसीजी, इको, टीएमटी सब नॉर्मल है, हर टेस्ट नॉर्मल है, क्या करें? दोस्तों, अगर आपके ईसीजी, इको और टीएमटी नॉर्मल है तो ये पेन हार्ट का नहीं है, तो ये मस्क्यूलोस्केलेटल पेन, मसल का, मांसपेशी, हड्डी का दर्द हो सकता है, गैस का दर्द हो सकता है, और भी इसके 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी से जान नहीं जाती। चिंता छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, थोड़े दिन के लिए गैस की दवा लीजिए और थोड़े दिन के लिए मसल रिलैक्सेंट लीजिए, और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर ऑर्थोपेडिशियन या जनरल फिजिशियन को दिखाइए। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशी की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको होने के लिए विटामिन B12 और विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, और कैल्शियम डेफिशिएंसी से मस्कुलर स्पाजम्स बहुत आसानी से हो जाते हैं, उसके वजह से भी रिपीटेड दर्द होते हैं। उस केस में डेफिशिएंसी खत्म करिए, दवाई लीजिए और ठीक हो जाएगा।